सिद्धार्थनगर जिले में पहली बार पहुंचे बस्ती मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक ने तहसील दिवस में शामिल होकर तहसील दिवस में आने वाले फरियादियों की फरियाद सुनी। पुलिस उप महानिरीक्षक ने जिले के पुलिस लाइन में सभी थानों के प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ जिले के पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। तो क्या दिशा निर्देश देने आए? आज मैं जनपद में पहली बार आया हूँ और मैंने आज जनपद में मुझे यहाँ भाग लिया और तहसील दिवस के बाद यहाँ मैं जनपद अस्पताल के साथ मीटिंग चला। मेरा इस मीटिंग का खास उद्देश्य है कि जो भी शासन के निर्देश हैं, आदेश हैं, उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, खासतौर से कावड़ में सुमेला के मामले में और जनपद में किस तरीके से शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे और साथ ही साथ जनता और पुलिस के बीच जो दूरी है उसको कैसे अधिक से अधिक नजदीक किया जाए, किस तरीके से हम जनता को निर्भय बनाए, किस तरीके से हम उनके अधिक से अधिक सहायक हो सकें, किस तरीके से हम उनका सहयोग अधिक से अधिक ले सकें, इन सब बातों की मीटिंग में इस समीक्षा बैठक में बात करूँगा। सर, ये बॉर्डर एरिया है, नेपाल का बॉर्डर लगता है, उसको लेके क्या दिशा निर्देश? देखिए, नेपाल का जो बॉर्डर लगता है उसके लिए यहाँ एसएसबी में लगी हुई, बाकी जो लोकल फोर्स है वो अपने हिसाब से काम करती है। उसके अलावा जहाँ भी बॉर्डर होता है वहाँ आईबी और इंटेलिजेंस वो सभी अपने अपने फोर्स है और वो सारे लोग। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।